चलिए बातचीत करते हैं मेघमणि ऑर्गेनिक्स में। हाल ही में एक नैनो यूरिया का प्लांट शुरू किया है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। प्लांट की कितनी क्षमता है, नैनो यूरिया का मार्केट कितना बड़ा है, कंपनी को इससे कितनी मदद मिलेगी अपने को एक्सपेंड करने में, और प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ सकता है, इन सब पर बातचीत करेंगे। साथ ही एग्रोकेमिकल कारोबार जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें चीन की कितनी बड़ी भूमिका है, ये चर्चा होगी आज नो योर कंपनी में। बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के CMD अंकित पटेल। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तो पहले तो मेरे को दिलचस्पी ये जानने में है कि जो नैनो यूरिया का प्लांट आपने शुरू किया है उसकी कैपेसिटी वगैरह कितनी है, डिटेल में बताइए सर। थैंक यू। हमने नैनो यूरिया का जो प्लांट लगाया है वो हम लोगों ने इफको की टेक्नोलॉजी से लगाया हुआ है। वो उसकी कैपेसिटी 5 करोड़ बॉटल पर ईयर है एंड ये प्लांट अभी हमने शुरू कर दिया है। ओके, 5 करोड़ बॉटल नैनो यूरिया क्या था, छोटा लिक्विड फॉर्म में होती है और वो बॉटल्स में आती है तो वो ईजी होती है, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका इन्होंने प्लांट लगाया। 5 करोड़ टन की, 5 करोड़ बॉटल की इनकी क्षमता है। तो प्लांट अपनी पूरी क्षमता पे कामकाज शुरू कर चुका है या अभी करना है, और किस तरह की डिमांड है नैनो यूरिया की? अभी फुल कैपेसिटी पे प्लांट शुरू नहीं हुआ है, ये प्लांट धीरे धीरे रैंप अप होगा बिकॉज आज इंडिया में यूरिया का कंजम्पशन काफी ज्यादा है। करीब 9 मिलियन टन, 9 मिलियन टन जितना इंडिया में इंपोर्ट होता है यूरिया। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंडा है कि कैसे हम लोग इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करें और वो यूरिया का कंजम्पशन हम लोग धीरे धीरे करके नैनो यूरिया में कन्वर्ट करें। सो ये एक नई टेक्नोलॉजी वाला यूरिया है तो उसमें अडॉप्शन आज फार्मर लेवल पे होना शुरू हो गया है। हम लोग भी काफी फील्ड एक्टिविटी कर रहे हैं, इफको भी काफी फील्ड एक्टिविटी कर रही है एंड लुकिंग आगे बढ़ते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में इसकी कैपेसिटी हम लोग फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, आने वाले 2-3 सालों में फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होगा। इफको इसका एक बड़ा प्लेयर है, तो अच्छा अब इसका थोड़ा हमें ये समझाइए कि इसका मार्केट कितना बड़ा है, क्या पूरी तरीके से रिप्लेस करेगा। इसमें से आपने खुद ही जिक्र किया इफको भी एक प्लेयर है, कई सारे बड़े प्लेयर हैं, तो किस तरह के सेल्स रेवेन्यूज की आप लोग एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं? जैसे मैंने बताया ये नई टेक्नोलॉजी है तो अडॉप्शन होने में ये 2-3 साल लगेगा, क्योंकि फार्मर अपने लेवल पे जब यूज करता है इसको तो एक बार उनको जब विश्वास आता है तब जाके उसका कंजम्पशन धीरे धीरे वो बढ़ाते हैं। तो वो अडॉप्शन आज वो काफी सारे स्टेट में काफी सारे फार्मर ने ऑलरेडी उसको यूज करना शुरू कर दिया है एंड जैसे ही उनका विश्वास बढ़ेगा ये प्रोडक्ट के ऊपर इसका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा आज। एंड हमें लग रहा है कि अगले आने वाले 3 साल में इसका कंजम्पशन काफी बढ़ेगा। इसको पूरे साल की फुल कैपेसिटी पे अगर हम लोग प्लांट चलाएंगे तो करीब 1000 करोड़ का रेवेन्यू ये प्लांट से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर फुल कैपेसिटी में चलेगा 2-3 साल में तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू केवल इस प्लांट और इस प्रोडक्ट से आने की संभावना है। अच्छा थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, ग्लोबल एग्रोकेमिकल की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट था जिसमें डी स्टॉकिंग हुई है तगड़े से, बड़े बड़े प्लेयर्स को बहुत नुकसान हुआ है, और ख़ासतौर पर हमने देखा कि कोरोना के बाद से बहुत सारे प्राइसिंग में डिस्टॉर्शंस भी देखने को मिले हैं। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा थी उसको भी लोगों ने कम किया, डी स्टॉकिंग हुई। कैसा इस समय की सिचुएशन क्या दिख रही है और आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं एग्रोकेमिकल में? ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट अगर हम लोग देखें तो पिछले काफी समय से अच्छा चल रहा था बट 2022 के बाद इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया है ग्लोबल मार्केट में। सर्टेन मार्केट्स अमेरिका में, ब्राजील में, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जहाँ पे थोड़ा स्टॉकिंग बढ़ गया था उसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम आया है। अभी डी स्टॉकिंग हर एक मार्केट में होना शुरू हो गया है, इम्प्रूवमेंट आना भी शुरू हो गया है। हमें लगता है करीब इसको सेकेंड क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा कंजम्पशन पैटर्न इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, तब तक थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है। प्राइसिंग क्या स्टेबल हो गई है या अभी भी नरम बनी रहेगी? ऑलरेडी प्राइसेस काफी करेक्ट हो चुके हैं, मैं तो बता रहा हूं हमारे हिसाब से तो ऑल टाइम लो प्राइसेस आ गए हैं, इससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। अभी जो भी इम्प्रूवमेंट होगा कंजम्पशन पैटर्न में वहां से हमें लग रहा है कि प्राइसिंग बढ़ेगा।
तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ऑल टाइम लो पे है और बॉटम आउट हो रहा है, तो करंट क्वार्टर में या आने वाले एक आध क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, कितना असर हो सकता है? तो जैसे प्राइसिंग में कम हुआ है, हमारे प्रोडक्ट के प्राइसिंग में प्राइस कम हुए हैं, वैसे ही साथ में रॉ मटेरियल की प्राइस भी कम हुए हैं। सो वो एक फायदेमंद है। तो पुरानी इन्वेंट्री जैसे ही खाली हो चुकी है, तो अभी वो लॉस का सिचुएशन है, वो अभी जा चुका है। आने वाले क्वार्टर में हम लोग को लग रहा है कि सिचुएशन इंप्रूव होगी, एंड जैसे ही मार्केट थोड़ा कंजम्पशन पैटर्न में इंप्रूव होगा तो प्राइसिंग भी बढ़ेगी। ओके, आने वाले क्वार्टर्स में प्राइसिंग इंप्रूव होगी। एक और सेगमेंट है पिगमेंट वाला, वो भी काफ़ी बड़ा, उसको भी आप लोग कैटर करते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है डिमांड की और प्राइसिंग की? इन द पिगमेंट पिगमेंट सेगमेंट में भी प्राइसिंग जो है वो स्टेबलाइज हो चुके हैं, अभी ये नीचे नहीं जा रहे हैं। कंजम्पशन जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया था वेस्टर्न कंट्रीज में, वो भी अभी स्टेबलाइज होना शुरू हो चुका है। तो हमें भी लगता है कि ये भी करीब सेकेंड क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा इसमें। ओके, सेकेंड क्वार्टर में इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक तीसरा और है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये भी आपने एक यूनिट ऑनलाइन की थी, उसका प्रदर्शन या मार्केट में स्थिति क्या है? सो टाइटेनियम डाइऑक्साइड हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं पूरा का पूरा इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, डोमेस्टिक मार्केट पॉइंट, एंड मेजॉरिटी इसका एप्लीकेशन है पेंट सेगमेंट। बाहर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में पेंट सेगमेंट डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। सो पैरेलली टाइटेनियम डाइऑक्साइड सेगमेंट भी डबल डिजिट में ग्रो करेगा अलॉन्ग विद द पेंट मार्केट सेगमेंट। सो हम लोग काफी बुलिश हैं ये प्रोडक्ट के ऊपर, तो आने वाले समय में हमें लग रहा है ये प्रोडक्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये जो डबल डिजिट ग्रोथ है ना अंकित जी, ये तो बहुत लंबे समय से चल रही है, इसमें एक बड़ा उथल पुथल हुआ, एक नया प्लेयर आया है, उससे क्या होगा, साइज बहुत बढ़ेगा मार्केट का, उसने भी 50% का कम से कम कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। अब यहाँ पे जो कि मार्केट बढ़ रहा है तो थोड़ा प्राइसिंग कंपटीशन भी होगा वहाँ पे, किस तरह के मार्जिन आप लोग कमांड कर सकते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड में? आज हर एक सेगमेंट में मार्जिन पे प्रेशर है, बट जैसे कि हमने बताया हम लोग इसको इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इसमें भी मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखेगा आने वाले समय। ओके, अच्छा ये एक सवाल और बताइए, क्योंकि चाइना प्लस वन हम लोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेते थे कि हमें फ़ायदा होगा उससे, लेकिन हमारे केमिकल सेक्टर के लिए तो वो अच्छा नहीं रहा बहुत अभी इस समय, प्राइसिंग के लिहाज से वहाँ से भी प्रेशर बना है। एग्रोकेमिकल में खासतौर पे जो दिक्कत आ रही है, उससे कितना इम्पैक्ट उसकी वजह से हो रहा है? चाइना, यस इट्स अ बिग प्लेयर, तो उसमें उसी की वजह से काफी प्रॉब्लम आया है। आज चाइना में सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है आफ्टर कोविड, एंड आज एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो उन्होंने एनवायरमेंट कंसर्न एक साइड में रख दिया है। तो केमिकल इंडस्ट्री इज रनिंग ऑन देयर ओन, एंड इट्स लाइक अ फ्री हैंड गिवन इनडायरेक्टली, एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द इकोनॉमी, नॉट नथिंग एल्स। सो कहीं ना कहीं सप्लाई बहुत ज्यादा चाइना की तरफ से बढ़ गया, और नॉट ओनली इन एग्रोकेमिकल, आई वुड से इन ऑल अदर सेगमेंट्स। तो उसी की वजह से ये कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, जो हमें लग रहा है FY25 में जैसे इन डिमांड इंप्रूव होगी तो सप्लाई डिमांड गैप जो अभी है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होगा, FY26 से थोड़ा ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी। ओके, तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एग्रोकेमिकल सेगमेंट में वाकई चाइना ने बड़ी प्रॉब्लम की, इवन ग्लोबल प्रॉब्लम हुई है ये। आप एग्जांपल के तौर पे यूपीएल को देखिए, वहाँ ज़बरदस्त डी स्टॉकिंग हुई थी और स्टॉक आधा हो गया। मेघमणि ने सस्टेन किया है, और नया प्लांट चूंकि इनका जो आ रहा डाइवर्सीफाई किया उन्होंने नैनो यूरिया में, वो इनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनता हुआ दिख रहा है, और डोमेस्टिक पेंट सेगमेंट से इनको अच्छी मदद मिल सकती है। 80-81 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो मेघमणि ऑर्गेनिक्स की स्थिति है। लेकिन मार्केट वापस लौटते हैं, बैंक निफ्टी 400 और मिड कैप में थोड़ी सी बढ़त और हुई, 850 के आसपास कर रहा है, लेकिन सरकारी स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी बनती दिख रही है और मिड कैप में बहुत अच्छी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को आप देखिए, अच्छे खासे 3% की रैली यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है।
अभी हम लोग पेंट का जिक्र कर रहे थे तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी पेंट में उतर चुकी है, तो ग्रासिम का भी भाव 2200 पे ट्रेड कर रहा है, 1.5% की वहाँ पे भी अच्छी खासी मजबूती बनती हुई देखने को मिल रही है। कई सारे स्टॉक मिड कैप में हैं जो बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं, जो अपनी उस पुरानी ग्लोरी को रिगेन करने की कोशिश करें, कितना कर पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है। गर्मी के मौसम में तो अंबर इंटरप्राइजेज में भी आज 3% की रैली, गिरा बहुत है ये, 4500-4600 से गिर के 3,2800 तक का इवन इंट्राडे में आया था, अब ये आज 3300 पे भाव चल रहा है 3% मजबूती के साथ। यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो पिछले दिनों काफ़ी बिकवाली के दबाव में आया था, आज 4% की मजबूती है, 150 पे। ये कुछ वो मिड कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पे वापस से रैली आती हुई देखने को मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ।